नमस्कार बाल दोस्तों, आप सब कैसे हैं? सकुशल होंगे, खुश होंगे, खेलते भी होंगे, पढ़ते भी होंगे। तो आपने पिछले एपिसोड में गिनती इकाई के बारे में सीख लिया होगा, उसका अच्छी तरह से गृह कार्य भी कर लिया होगा। तो आज हम कौन सी इकाई सीखने वाले हैं, यह जानना है ना आपको? तो आप ही तय कर लीजिए, सोच लीजिए कि आज हम कौन सी इकाई पढ़ने वाले हैं। इसके लिए मैं आपको यहाँ एक वीडियो बताऊंगी, आप खुद समझ जाएंगे कि आज हम कौन सी इकाई का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो। नमस्ते, मेरा नाम हुरबानो मोहम्मद जावी लकड़ावाला है। मैं बहुत सुंदर लड़की हूँ। मेरी पाठशाला का नाम कन्या सारा ब्रांच नंबर 1 है। मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। मुझे खेलना और पढ़ना बहुत पसंद है। नमस्ते प्यारे बच्चों, तो आपने वीडियो में क्या देखा? जी हाँ, लड़की अपने बारे में कुछ बता रही है। तो आज हम यही सीखने वाले हैं, इकाई 4, अपने बारे में। तो चलिए अपना पाठ्य पुस्तक खोलेंगे और पृष्ठ नंबर 17 निकालेंगे। प्यारे बाल दोस्तों, अगर आपको कोई पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो आप बड़े अच्छी तरह से बोल लेंगे, मगर उसके साथ साथ आपको उसका लेखन कार्य भी करते आना चाहिए। तो आज हम अपने बारे में इकाई के अंतर्गत अपना परिचय देना सीखेंगे और अपने परिवार के रिश्तेदारों को क्या कहते हैं यह भी समझेंगे, और साथ साथ इस इकाई के स्वाध्याय और अभ्यास में कौन कौन से प्रश्न आते हैं उसे भी समझेंगे। क्या आप मुझे जानते हैं? आइए मैं अपना परिचय देती हूँ। मेरा नाम सोनल है। मैं 4th कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं रामपुर नामक गांव में रहती हूँ। मेरे पिताजी का नाम अशोक भाई है। मेरी माँ का नाम रमीला बहन है। मेरे भाई का नाम विशाल है। मेरी बहन का नाम अमी है। मेरे चाचा का नाम पंकज भाई है। मेरी बुआ का नाम रमा बहन है। मेरी सहेली का नाम जया है। मुझे कैरम खेलना पसंद है। मेरी अध्यापिका का नाम नाशेहा बहन है। मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ। मैं पायलट बनना चाहती हूँ। मुझे पढ़ना ज़्यादा पसंद है। नमस्ते, आप कैसे हो? मैं अच्छा, तुम कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। मेरा नाम निखिल है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मनीष है। मैं 4th कक्षा में पढ़ती हूँ और मेरी पाठशाला का नाम बोरला प्राथमिक शाला है। अब हम अपने बारे में आपको बताएंगे। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? मेरे पिताजी का नाम सुरेश का है। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? मेरे पिताजी का नाम जगदीश भाई है। तुम्हारी माता का नाम क्या है? मेरी माता का नाम सुमन बहन है। तुम्हारी माता का नाम क्या है? मेरी माता का नाम उषा बहन है। तुम्हारे बहन का नाम क्या है? मेरी बहन का नाम दीपक बहन है। तुम्हारा बहन का नाम क्या है? मेरे भाई का नाम निखिल भाई है। तुम्हें पता है चाचा किसे कहते हैं? हमारे पिता के भाई को चाचा कहते हैं। तुम्हारे चाचा का नाम क्या है? मेरे चाचा का नाम भरत भाई है। तुम्हारे चाचा का नाम क्या है? मेरे चाचा का नाम रंजीत भाई है। हाँ,
हमारे हमारे पिताजी की बहन को बुआ बुआ कहते हैं। तुम्हारी बुआ का नाम क्या है? मेरी बुआ का नाम सुमन बहन है। तुम्हारी बुआ का नाम क्या है? मेरी बुआ का नाम मंजू बहन है। हमारे परिवार में दादा दादी चाचा चाची सब रहते हैं। तुम्हें पता है दादा किसे कहते हैं? हमारे पिताजी के पिता को दादा कहते हैं और हमारे हमारे पिताजी की माता को दादी कहते हैं। तुम्हारे दादा का नाम क्या है? मेरे दादा का नाम सुमन भाई है। तुम्हारे दादा का नाम क्या है? मेरे दादा का नाम ईश्वर भाई है। तुम्हारी दादी का नाम क्या है? मेरी दादी का नाम मेरी बहन है। तुम्हारी दादी का नाम क्या है? मेरी दादी का नाम लक्ष्मी बहन है। तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? हम बड़े होकर पुलिस बनना चाहते हैं। तुम क्या बनना चाहते हो? मैं बड़ी होकर नर्स बनना चाहती हूँ। तुम्हें कौन सा खेल पसंद है? मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। तुमसे क्या खेलना पसंद है? मुझे खो खो खेलना पसंद है। नमस्ते नमस्ते। तो बाल दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपने परिवार या अपनी पसंद के नाम रख कर मेरा परिचय किस प्रकार हमें बोलना है उसका आपको श्रवण कार्य करवाया है। अब हमें श्रवण के साथ साथ लेखन कार्य भी करना होता है। तो बाल दोस्तों, अब हम अपने बारे में यानी मेरा परिचय लेखन कार्य भी करेंगे। और हाँ, मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि अगर लड़का है तो वह अपना नाम लड़के की तरह रखकर वाक्य बनाएगा। जैसे मेरा नाम रमेश है, मैं चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ, तो वहाँ वाक्य रचना बदलेगी। और अगर लड़की है तो जिस तरह से मैंने आपको बताया उस तरीके से आपको बोलना भी है और लिखना भी है। तो चलिए किस प्रकार लिखा जाता है वह भी समझ लेते हैं। बाल दोस्तों, आपने अपने पास पाठ्यपुस्तक और लिखने के लिए नोटबुक और पेंसिल रबर अवश्य रखे होंगे। तो चलिए अब मेरा परिचय इकाई किस तरह से लिखते हैं वह भी सीख लेते हैं। मेरा नाम सोनल है। बाल दोस्तों, यहाँ आपका जो भी नाम हो वह आपको अपनी कापी में लिखते जाना है। मैं चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ। अगर लड़का है तो उसे लिखना है मैं चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं रामपुर नामक गांव में रहती हूँ। मेरे पिताजी का नाम अशोक भाई है। मेरी माँ का नाम रमीला बहन है। मेरे भाई का नाम विशाल है। मेरी बहन का नाम अमी है। मेरे चाचा का नाम पंकज भाई है। मेरी बुआ का नाम रमा बहन है। मेरी सहेली का नाम जया है। मुझे कैरम खेलना पसंद है। मेरी अध्यापिका का नाम नाशेहा बहन है। मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ। मैं पायलट बनना चाहती हूँ। मुझे पढ़ना ज़्यादा पसंद है। तो प्यारे बच्चों, हमने मेरा परिचय किस प्रकार से बोलना है और किस तरीके से उसका लेखन कार्य करना है इसकी समझ प्राप्त कर ली है। अब इस इकाई के अंतर्गत जो कठिन शब्द है वह भी समझना है ताकि आप
इस इकाई का स्वाध्याय और अभ्यास भी बड़ी आसानी से कर सके। साथ में जो शनिवार को प्रश्न पूछा जाता है वह भी आसानी से दे सके। और इस एपिसोड के अंत में जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका उत्तर भी बड़ी आसानी से दे सके। इसीलिए इस इकाई के हर एक प्रश्न को अच्छी तरह समझ लेना, अच्छी तरह से उसे पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ पढ़ाई करोगे ना आप? अरे बहुत अच्छे, आप सब बहुत अच्छे हैं। तो चलिए अब हम शब्दार्थ को देखते हैं। कक्षा, कक्षा शब्द का गुजराती में अर्थ होता है धोरण। परिवार, परिवार शब्द का अर्थ होता है कुटुंब। चाचा, चाचा हम किसे कहते हैं? तो हम बताते हैं, आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। पिता के छोटे भाई को हम चाचा कहते हैं। बुआ, पिता की बहन को हम बुआ कहते हैं। अध्यापक, हाँ हाँ जो आपको पाठशाला में आपके कक्षा में पढ़ाते हैं उसे हम अध्यापक कहते हैं, यानी शिक्षक। विद्यार्थी मित्रों, शब्दों का अर्थ जानने के बाद अब हमें अपने परिवार के रिश्तेदारों को किस नाम से बुलाते हैं यह भी तो जानना है। तो चलिए हम यह भी सीख लेते हैं। स्वाध्याय के अंतर्गत सही जोड़ के द्वारा हम परिवार के रिश्तेदारों की सही जोड़ बनाना सीखेंगे। अविभाग के अंतर्गत जिन रिश्तेदारों के नाम आते हैं उनकी जोड़, ब विभाग में जिन रिश्तेदारों के नाम दिए जा रहे हैं उनसे आपको सही जोड़ मिलाना है। आइए देखते हैं। पिता, भाई, चाचा, मामा, दादा। अब ब विभाग को देखते हैं। भाभी, दादी, मामी, माता, चाची। चलिए अ विभाग में सबसे पहला शब्द है पिता, तो पिता के साथ ब विभाग में से किसकी जोड़ी बनाएंगे? तो पिता के साथ ब विभाग में से किस शब्द से जोड़ी बनाएंगे आप? जो चार नंबर पर शब्द आता है उससे जोड़ी बनेगी। पिता, माता, माता, पिता। भाई के साथ एक नंबर पर जो शब्द है भाभी, उससे जोड़ बनेगी। भाई, भाभी। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि चाचा के साथ कौन से शब्द से जोड़ी बनेगी। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। विद्यार्थी मित्रों, आप तो बड़े होशियार हैं। अब आप अपने आप भी कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ पर आपको यह पूरी जोड़ बनाना तो सिखाऊंगी ही। चाचा के साथ पांचवें नंबर पर जो शब्द है वह नाम आएगा चाची, चाचा, चाची। इसके बाद मामा शब्द है, तो अब बताइए मामा के साथ कौन सी जोड़ी बनेगी? हाँ, तीन नंबर। तीन नंबर पर जो शब्द है वह क्या है? मामी। तो मामा की जोड़ बनी मामी से। अब अंतिम शब्द है दादा। अरे हाँ हाँ हाँ, आप सब चिल्ला रहे हैं, उसका उत्तर क्या है? दो नंबर का जो शब्द है दादी, दादा के साथ जोड़ बन गई दादी की। चलिए एक बार फिर हम इसका उच्चार करते हैं। चलिए एक बार फिर से हम इन जोड़ियों का नाम बोलते हैं। पिता, माता, भाई, बहन, चाचा,
चाची, मामा मामी, दादा दादी। प्यारे विद्यार्थी मित्रों, अब हम स्वाध्याय का एक और प्रश्न देखेंगे, जिससे आप शब्द के आधार पर और जाति के आधार पर और लिंग के आधार पर किस प्रकार वाक्य बना सकते हैं, यह आपको समझ में आ जाएगा। तो सोचकर बताइए, इसी प्रश्न के अंतर्गत हम किस प्रकार वाक्य बनाते हैं यह सीखेंगे। तो आइए हम इस पीपीटी के द्वारा यह प्रश्न भी सीख लेते हैं। सोचकर बताइए, मैं चौथी कक्षा में खाली जगह हूँ। तो यहाँ पर अगर लड़की है तो क्या लिखेगी? जी हाँ, पढ़ती लिखेगी। और अगर लड़का है तो वह क्या लिखेगा? पढ़ता शब्द को खाली जगह में रखकर पूरा वाक्य बनाएगा। यहाँ पर मैं पढ़ती शब्द का प्रयोग करके वाक्य बनाऊंगी। देखिए, इस प्रकार से खाली जगह में पढ़ती शब्द रखकर हमने अपना वाक्य बना लिया है। मैं चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ। दूसरी खाली जगह देखते हैं, परेश खेल खाली जगह। अब यहाँ पर नाम आपको लड़के का दिया है, तो यहाँ पर हर किसी को खाली जगह में एक ही सही उत्तर लिखना है। तो रहा है और रही है, यह दो विकल्प आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर परेश के साथ हम कौन सा विकल्प रखकर खाली जगह को पूर्ण करेंगे? जी हाँ, इस प्रकार से परेश खेल रहा है। एक और खाली जगह आ रही है यहाँ पर, मीना खाना खा खाली जगह। आपको दो विकल्प दिए हैं, रहा है रही है। विद्यार्थी मित्रों, अब तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और सोचकर खाली जगह भी भर दी होगी। हाँ, तो यहाँ पर हम इस प्रकार से वाक्य पूर्ण कर सकते हैं, मीना खाना खा रही है। इसके बाद एक और हमारे सामने खाली जगह वाला वाक्य आ रहा है। वाक्य है, मेरा दोस्त मुझसे खाली जगह में आपको बड़ा है या बड़ी है, दो में से सोचकर लिखना है। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं, मेरा दोस्त मुझसे बड़ा है। एक और खाली जगह वाला वाक्य आपके सामने आ रहा है, मेरी सहेली अच्छा खाली जगह। तो यहाँ पर आपको दो विकल्प दिए हैं, गाती है या गाता है। तो यहाँ मेरी सहेली है, तो आप तो अब समझ गए होंगे, सोचकर लिख लीजिए इस तरह से, मेरी सहेली अच्छा गाती है। प्यारे दोस्तों, आपने अब इस प्रश्न को भी बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया है, बहुत अच्छे। तो आइए स्वाध्याय का एक और प्रश्न समझते हैं। चलिए देखिए, उचित शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे मेरी मेरे, मेरा मुझे, मैं। इन शब्दों का उपयोग कर आपको खाली जगह भरनी है। किस खाली जगह में कौन सा उचित शब्द रखना है, यह आपको जानना है, समझना है और अपनी कॉपी में लिखते चलना है। खाली जगह लड़की हूँ। बाल दोस्तों, बताइए खाली जगह में कौन सा शब्द आएगा? पहला हमारा खाली जगह वाला वाक्य आ रहा है,
खाली जगह लड़के हो। दूसरा, खाली जगह खेलना पसंद है। तीसरा, खाली जगह माता अध्यापिका है। चौथा, खाली जगह पिता सैनिक है। पांचवा, खाली जगह नाम आमीन है। तो यहाँ पांच खाली जगह वाले जो वाक्य दिए हैं उसमें कौन सा उचित शब्द आएगा? पहले खाली जगह वाले वाक्य में आएगा मैं लड़की हूँ। दूसरा खाली जगह वाले वाक्य में शब्द कौन सा आएगा? हाँ बिल्कुल सही, मुझे खेलना पसंद है। तीसरा खाली जगह वाले वाक्य में खाली जगह के स्थान पर आएगा शब्द मेरी माता अध्यापिका है। चौथे खाली जगह में आएगा मेरे पिता सैनिक है। और अंत में मेरा शब्द आएगा और वाक्य बन जाएगा मेरा नाम आमीन है। अरे वाह, बहुत अच्छे, आप सबको पढ़ाना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुरंत सीख जाते हैं। आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन। तो बाल दोस्तों, आज हमने इकाई 4 अपने बारे में मेरा परिचय देना सीख लिया। स्वाध्याय और अभ्यास में जो जरूरी प्रश्न थे वह भी सीख लिए। विद्यार्थी मित्रों, आप सब ने इकाई अपने बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है। तो आपको गृह कार्य भी करना है। आपको मेरा परिचय लिखना है और अपने माता पिता या अपने से बड़े भाई बहन को बताना है। आप सबसे मिलकर, आप सबको पढ़ाकर बहुत अच्छा लगा। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।